हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कोई खाना नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे साबुन, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये है एक होममेड ऑर्गेनिक मैजिकल सोप। मैजिकल क्यों बोल रही हूँ, ये आप खुद एक बार बना के ट्राई कीजिएगा तो फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। हर एक इस्तेमाल के बाद जब भी आप आईने में देखेंगे और स्किन को टच करेंगे तो आप डिफरेंस फील कर सकेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और किसी भी एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो इंग्रेडिएंट्स जिससे बनेगा हमारा मैजिकल सोप। आप भी सोच रहे होंगे ये सब से कैसे, ये सब से ही। तो हमें चाहिए नयनतारा या सदाबहार फूल, रोज वाटर, आमला, ग्लिसरीन सोप या सोप बेस, एलोवेरा, आप बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, नीम पत्ता और विटामिन ई। एलोवेरा को और आमला को हमने काट लिया है और जो ग्लिसरीन सोप को था उसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब चाहे तो सोप बेस का भी यूज़ कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है अमेजन फ्लिपकार्ट में। हम एक्चुअली सोप बेस का ही यूज़ करते हैं, उस दिन नहीं था तो ग्लिसरीन सोप का यूज़ कर लिया। फिर हमने मिक्सी में जो नीम था, नीम पत्ता वो डाला है धो के, फिर एलोवेरा काट के जो रखा था वो, फिर आंवला और फिर नयनतारा फूल, फिर हम डालेंगे रोज वाटर, फिर सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिर हमने एक स्ट्रेनर में डाला है जो भी हमारा मिक्स बना उसको, और जो रस वैसे ऐसे ही हम निकाल लेंगे। हमारा एक कटोरी रस निकला है, एक कटोरी रस इनफ है हमारा सोप बनाने के लिए, ठीक है। फिर हम एक सेटअप रेडी करेंगे। क्या करेंगे, पहले कढ़ाई लेंगे, उसके ऊपर पानी, फिर उसके ऊपर सॉस पैन। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो सोप है, सोप बनेगा वो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आना है, जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे ही बनना है। फिर हमारा जो सोप बेस कट के रखा था वो हम सॉस पैन में डाल लेंगे और उसे पिघलने की वेट करेंगे। अभी अच्छे से पिघल चुका है, फिर हमारा जो बना रस था बनाया हुआ मिक्स था उसे हम डाल देंगे, ठीक है, और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाना करते जाना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसे उसमें विटामिन ई जो हमने रखा था वो डाल देंगे, फिर उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आए तो मतलब वो रेडी है सोप बनने के लिए। और फिर हम ऐसे कटोरी लेंगे या फिर आप सोप मॉल ले सकते हैं और उसमें हमारा जो रस है वो डाल देंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। 2-3 घंटा बाद अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और एक बात, जो भी कंटेनर यूज़ करे उसमें पहले तेल लगा ले, फिर ही हमारा जो मिक्स है वो डाले, तब वो अच्छे से आसानी से निकल जाता है। 2-3 घंटा बाद ये ठंडा हो चुका है और ये एकदम रेडी है सोप, ये एकदम हार्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेडी है मैजिकल सोप हमारा। इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, आप हमारा जो कैप्शन है वो पढ़िएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। ये सोप कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब कोई भी एज का हो, कोई भी स्किन टाइप हो, हर कोई यूज़ कर सकता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप भी यूज़ कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिए। और हम ऐसे ही और दूसरे सोप्स भी बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब हटा देते हैं। अगर हम बाज़ार में ऐसे ख़रीदने जाए 500-600 ऐसा होता है कॉस्ट, पर हम 200 रुपये में हम 5-6 ऐसे बना सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो ये चाहिए तो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।